Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा आपको अपने नौशाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज मेरे किचन में बन रही है चोकोबार। तो इसके लिए हमें किसी एग क्रीम किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम दूध और कस्टर्ड फ्लेवर के साथ अपनी जो है चोकोबार बनाएंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास फुल क्रीम मिल्क है, ये 2 ग्लास दूध है। इसी के साथ मेरे पास ये चॉकलेट है, इसको हम जो है वो मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर में। शुगर हस्बैंड जरूरत यूज़ करेंगे, मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे इसके अंदर, और इस तरह के डिस्पोजिबल ग्लास लेंगे। और ये है मेरे पास कस्टर्ड। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ। सबसे पहले हम जो है चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, और इसी के साथ हमें चाहिए होंगे आइसक्रीम स्टिक्स, आप कोई सी भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए चॉकलेट को हम इसी तरह डबल बॉयलर करके तो अपनी चॉकलेट सारी मेल्ट करेंगे। अभी ये थोड़ी गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए चॉकलेट जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको अपने कप्स में डालेंगे और इसको फ्रीज़र में रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ अपना कप लेंगे और उसके अंदर अच्छे से जो है चॉकलेट अपनी इस तरह से फैला के इसको लगाते जाएंगे और फिर इसको फ्रीज करने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए मैंने चॉकलेट से अपने कप को अच्छी तरह से कवर कर लिए। अब मैं इसको फ्रीजर में रखूंगी। तो अब दूध के अंदर हम जो है वो शुगर ऐड करेंगे, 4 टेबल स्पून शुगर जाएगी, और मैं इसमें कस्टर्ड डालूंगी। कस्टर्ड जो हम इसको अभी नहीं डालेंगे, पहले हम दूध को जो है वो पकने रखेंगे। और इसमें मैं जो है वो पिंच ऑफ सॉल्ट का डालूंगी। हमने दूध को चूल्हे पे रखेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए मैंने 4 टेबल स्पून जो है वनीला कस्टर्ड को जो है इसमें ठंडे पानी में या दूध में आप मिक्स कर सकते, मैंने कर लिया। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है वो भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे क्योंकि हम इस पर कोई क्रीम और कोई सी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो मिल्क पाउडर डालने से इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा ही क्रीमी हो जाएगा और बड़ा ही मज़े का टेस्ट देगा ये। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ दूध हमारा जो है वो अच्छे से बॉयल हो रहा है। अभी हम इसको पकाएंगे 5-10 मिनट अच्छी तरह से, फिर हम इस पर अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए दूध हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो गया। अब यहाँ मैं चूल्हा बंद करूँगी और अब हम इस पर अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो अपना हाथ रोकेंगे नहीं, इसको विस्क करते जाएंगे अच्छे से, क्योंकि मैंने इसको आइसक्रीम में ऐड करना है। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा थिक ही बनाऊँगी। ये चलो 4 टेबल स्पून, तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। इसकी थिकनेस देखिए, हमें ये ऐसा ही चाहिए। और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे क्योंकि हम कस्टर्ड यूज़ कर रहे हैं वनीला फ्लेवर, तो मैंने इसमें वनीला एसेंस यूज़ नहीं किया। बस अब हम इसको ठंडा करेंगे, फिर आपके साथ शेयर माने इनकी बर्गर के साथ। देखिए कस्टर्ड हमारा जो ठंडा हो रहा है, गरम गरम कस्टर्ड के अंदर ही हम थोड़े से चॉकलेट के और थोड़े चंक्स डालेंगे। इसके लिए मैं डार्क चॉकलेट यूज़ नहीं कर रही, आप कोई भी आम रेगुलर चॉकलेट लेके उसको जो है ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर ला के फिर इसको अपने चॉकलेट वाले कप में डालेंगे और इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, या आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारा जो बैटर है वो तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको हैंड बीटर से अच्छी तरह से तब तक इसको जो है आप बीट करें जब तक कि एक फ्लफ़ी सा बैटर ना बन जाए। और अगर उससे भी ज़्यादा ईजी चाहिए तो हम इसको ब्लेंडर के जार में डालेंगे और अच्छे से घुमाएंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा। जार में डाल दिया, अब हम इसको
ब्लेंड करेंगे अच्छे से। अल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ देखिए, ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो चुका है, ये देखिए कितना सॉफ्ट तो फ्लफी हो गया। हमने इसमें कोई क्रीम कोई एग कुछ यूज़ नहीं किया। अब हम इसको पोर करेंगे अपने चॉकलेट वाले मोल्ड में। चॉकलेट जो है हमारी वो सेट हो चुकी है, इसको माने रिम की बरकत के साथ हमारा मोल्ड रेडी है। मैंने फॉइल के साथ इसको कवर किया है और इसमें एक छोटा सा कट लगाया है। अब इस कट में हम जो है अपना स्पून रखेंगे। बस अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे, तो जैसे ही फ्रीज हो जाएगा तब आपको दिखा। बिस्मिल्लाह माने रिम की बरकत के साथ देखिए आइसक्रीम जो हमारी अच्छे से जम गई है। क्या करेंगे, सीजर लेंगे, उसको यूँ हल्का सा कट लगाएंगे और इजीली ये पेपर कप का जो मैंने मोल्ड यूज़ किया है तो बड़े आराम से उतर जाता है। घर में बनाए और खूब इंजॉय करके खाए। देखिए हमारी मज़ेदार चॉकोबार कस्टर्ड चॉकोबार रेडी है, तो खाइए एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके साथ एक अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।